नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी आयुर्वेदा, टीम मेंबर ऑफ आयुर हेल्प डेस्क। आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रही हूं अप्लाइड आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ COPD, दैट मीन्स जीर्ण श्वास स्रोत रोग की व्यावहारिक आयुर्वेदिक चिकित्सा। तो सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो कि एक लंग डिसऑर्डर होता है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पास ऐसे अनेक रोगी चिकित्सा के लिए आते हैं जिन्हें मुख्यतः तीन तकलीफ होती हैं, जैसे कि क्रोनिक डिस्निया, मतलब जिसका सांस लंबे समय से चल रहा हो, जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो लंबे समय से, क्रोनिक कफ यानी कि उसको लंबे समय से खांसी आ रही हो, और एक्सपेक्टोरेशन मतलब कफ के साथ उसको खांसी के साथ उसका कफ का निकलना। तो ऐसे रोगी का हम पूर्ण रूप से परीक्षण करके, एग्जामिनेशन करके, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा के, चेस्ट एग्जामिनेशन करा के हम ये समझते हैं कि पेशेंट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से पीड़ित है या नहीं। शुरुआत में ही हमें ये जान लेना चाहिए कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और ब्रोंकियल अवस्था में क्या डिफरेंस है, तो हमें इससे चिकित्सा करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। बेसिकली क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ इनिशियली ट्रीटेबल भी होता है और प्रिवेंटेबल भी होता है, जो कि ठीक शुरुआत में ही ठीक किया जा सकता है या फिर उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। आगे बढ़ने से ऐसे रोका जा सकता है कि जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर COPD में होते हैं उससे हम पेशेंट को दूर रखें, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसको ठीक हो जाते हैं वो, और कुछ ही मेडिसिन के हेल्प से। ये बहुत ज़रूरी है कि हम शुरुआत में ही ब्रोंकियल अस्थमा और COPD का डिफरेंशिएशन कर लें। अब हम आते हैं उसके निदान की तरफ। जीर्ण श्वास रोग यानी कि COPD की शुरुआत प्रायः जीर्ण काश यानी कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से होती है, जिसमें रोगी को लंबे समय तक खांसी आती है। बाद में उसे उरक्षत यानी कि इम्फाइजमा हो जाता है, जिससे कि श्वास लेने में परेशानी उसकी मुख्य तकलीफ बन जाती है। तो मेन इसके तीन कारण होते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, टोबैको स्मोकिंग एंड पॉल्यूटेड एयर। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से हम ये समझ सकते हैं यानी कि एबनॉर्मल जीन जिस व्यक्ति में होता है उसमें बेसिकली पेशेंट लगातार एटियोलॉजिकल फैक्टर के करीब रहता है, जिसकी वजह से उसके जो लंग स्ट्रक्चर है, जो हमारे उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, ये उतने ताकतवर नहीं होते हैं कि वो किसी एजेंट के अगेंस्ट वो लड़ पाएँ, और उनकी लोकल इम्यूनिटी भी उस दौरान बहुत ही वीक होती है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं उस इटियोलॉजिकल फैक्टर से और उनको COPD जल्दी हो जाता है। दूसरा इसका मुख्य कारण होता है धूम्रपान तथा प्रदूषित वायु से जो क्रोनिक इरिटेशन होता है, लंबे समय से इरिटेशन होता है, वो श्वास नलिकाओं यानी कि जो भी उस लंग्स के स्ट्रक्चर होते हैं उसको क्षति करते हैं। क्योंकि ऐसे कई प्रोफेशन है, जैसे कई ऑक्यूपेशन है जो बार 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 धूल में या ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो कि जो इरिटेंट केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो बार बार कांटेक्ट में लंबे समय तक रहने से उनको उनके ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस में लगातार इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोस ये हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोस, जिसकी वजह से लगातार उनको ब्रोंकाई और ब्रोंकियोस में कफ बनते रहते हैं। ऐसा होने के बाद जब भी व्यक्ति इंस्पिरेशन करता है तो उच्छ्वास इंस्पिरेशन के द्वारा जो पल्मोनरी एल्विलाई होता है, पल्मोनरी एल्विलाई में जो वायु होती है, जो एयर होती है, वहीं पे वो ट्रैप्ड हो जाती है। ट्रैप्ड होने से फिर वो एक्सपायरेशन के समय थोरक्स के भीतर क्या होता है कि इंक्रीज्ड इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एल्विलाई होती है वो बर्स्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाद में एम्फाइजमा में चेंज हो जाता है। इसका एक और कारण है ओजस्य। ओजस्य होकर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी जिस व्यक्ति की बहुत वीक होती है उसमें भी ये बहुत जल्दी से हो जाता है। तो ओजस्य होकर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी में भी कमी होने से रोगी को यदाकदा इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी उसको इन्फेक्शन हो सकता है। संक्रमण जीवाणुजन्य बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं और फंगल भी हो सकते हैं।
क्या होते हैं इसके मैनिफेस्टेशन, व्यक्ति क्या रूप क्या लक्षण इसके दिखाई पड़ते हैं उस टाइम पे? सीओपीडी में डिस्निया, ब्रेथलेसनेस, कफ स्पुटम के साथ निकलना, ज्वर यानी कि फीवर, खांस में वृद्धि और पीले रंग का स्टीवन जीवाणुजन संक्रमण होने पर होता है, एडिमा होता है समटाइम, असाइटिस, हिपेटोमेगैली, इंगोज्ड वेन्स, ये सब लक्षण ऐसे सीओपीडी के केस में दिखाई देते हैं। अब बढ़ते हैं हम चिकित्सा की तरफ। जीर्ण श्वास स्रोतोवरोध यानी कि सीओपीडी होने पर युक्तिपूर्वक निम्न चिकित्सा कर सकते हैं, जैसे कि ब्रोंकियो डायलेटर ड्रग। ऐसे कौन कौन से ड्रग्स हैं जो ब्रोंकियो डायलेटर का काम करते हैं हमारे आयुर्वेद में? जीर्ण श्वास रोध यानी सीओपीडी में श्वास नलिकाओं का संकोच, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कम अधिक रहती है, इससे दूर करने के लिए श्वास नलिका विकास औषधियाँ लाने यानी कि ब्रोंकियो डायलेटर ड्रग्स यानी कि जो ब्रोंकियोल्स को डायलेट करे ऐसे ड्रग्स का हमें यूज़ करना है, क्योंकि ऐसे केसेस में ब्रोंकियोल्स ब्रोंकाई ऑलरेडी कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुके हैं ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। तो उस इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए हमें ब्रोंकियो डायलेटर ड्रग्स की जरूरत पड़ती है, जो कि अरंतपोल, दुग्धिका, अर्क, गंडीर, यष्टिमधु, सटी, पुष्करमूल, वासा, भारंगी, धतूरा, कुष्ठ, तालिसपत्र, ये सब ब्रोंकियो डायलेटर ड्रग हैं। इसके साथ साथ जो इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं तो ऐसे ड्रग्स को भी हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हमें ऐसे केसेस में यूज़ करने हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ऐसा कौन सा है? तो शल्लकी, एरंडमूल, जातिफल, गुग्गुलू, भल्लातक, चित्रक, गुड़ची, हरिद्रा, सुंठी, अश्वगंधा, रासना, दशमूल, पूर्णरनवा, रसोन इत्यादि, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। इसके साथ साथ असाध्य औषधियाँ लाइक एंटी एलर्जिक ड्रग्स। अब समटाइम्स पेशेंट जो वीक होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, वो बहुत जल्दी किसी भी एलर्जी के से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे यदि रोगी को असाध्य एलर्जी भी हो तो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में चीज़ें होती हैं, हमारे खान पान में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिससे व्यक्ति को एलर्जी हो जाती है। और जिसके केसेस में अगर एलर्जी भी है किसी व्यक्ति को तो हमें एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी साथ में देने चाहिए, जो कि शटी, यष्टिमधु, जहर मोहरा, यशद, कंटकारी, हरिद्रा, शीरीष, दुग्धिका, गुड़ची, भृंगराज, धतूरा, यवानी, स्फटिका, अबरक, सुंठी, स्वर्ण, हरितकी, ये सब एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि पेशेंट में कफ एक्सपेक्टोरेशन यानी कि कफ निष्ठीवन एक्सपेक्टोरेशन के लक्षण भी दिखाई देते हैं, तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो कंप्लेन बताते हैं कि कफ निकलता नहीं है, खांसते हैं, तो कई बार वो इंड्यूस्ड करते हैं उसको निकालने के लिए, और कई बार होता है कि वो कई बार अपने आप भी निकलते हैं। तो हमें कफ ईजिली बाहर आ जाए शरीर के जो फंसी हुई है, तो उसके लिए हमें मधु, कंटकारी, हरिद्रा, वासा, तुलसी, टंकड़, वनप्सा, गोजीविका, श्लेष्मांतक, तालिशपत्र, वंशलोचन, दारुशिता, विभीतिकी, पिप्पली, यवानी सत्व, पोदीनिका, सत्व लवंग, खदीर, जूफ, ये सब हमें देना है। तो कई बार बैक्टीरिया की वजह से होता है, कई बार वायरस की वजह से होता है, कई बार फंगस की वजह से इन्फेक्शन होता है, तो हमें इसका भी ध्यान देते हुए हमें कुछ ऐसे कुछ इन्फेक्शन जो रोके ऐसे ड्रग्स का यूज़ करना चाहिए। एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स हमें देने हैं तो उसमें गुग्गुलू, भल्लातक, चित्रक, मंजिष्ठा, सारीवा, गुड़ची, दशमूल, लिम्ब, शिलाजतु, मल्ल, ताम्र, सुवर्ण, ये सब चीज़ें आती हैं। अब वायरल इन्फेक्शन में हमें क्या देना है? कालमेघ, भल्लातक, दुग्धिका, भूमि अम्लकी, तुलसी, सुंठी, महानिम्ब, रसोन, दालचीनी, ये हमें वायरल इन्फेक्शन में देना है। इसके साथ साथ समटाइम्स पेशेंट को हमें मैनेज करना होता है हार्ट फेलियर ना हो, यानी कि कभी कभी वो कोर पल्मोनेल में चेंज हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ हमें पेशेंट को काकमाची, सरपोंखा, कुटकी, पुनर्नवा, गोक्षो, श्वेत पर्पटी, गोहजीविका, हरितकी इत्यादि ड्रग्स भी उसमें साथ में देने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट ड्रग भी हमें साथ में देना चाहिए, जैसे फुफ्फुस, हृदय एवं ओजस की शक्ति बढ़ाने के लिए
रसोन औषधियाँ का प्रयोग करना चाहिए जिसमें मुख्य शिलाजंतु आमलकी अभ्रक मुक्ताशुक्ति स्वर्णमक्षिक यशद मुक्ताशुक्ति आमलकी अभ्रक यशद अश्वगंधा शिलाजीत। मैं कुछ कॉम्बिनेशन में बता रही हूँ। पहला कॉम्बिनेशन है मुक्ताशुक्ति आमलकी अभ्रक यशद। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है अश्वगंधा शिलाजीत मंडुकपर्णी दुग्धिका और यशद है। तीसरा कॉम्बिनेशन अश्वगंधा कपिकक्षु शिलाजीत यशद है जिसकी वजह जिसके जिसकी हेल्प से हम काफ़ी हद तक COPD के आराम पहुंचा सकते हैं और उसको शुरुआत में हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। वो शुरुआत में वो पूरी तरह से ट्रीटेबल भी जैसा कि मैंने पहले बताया वो हैं और प्रिवेंटेबल भी हैं। तो हम इस तरह से COPD को मैनेज कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो ऑडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग वेरी केयरफुली। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई ऑडियो।